नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई कुर्ते का बहुत ही प्यारा पैटर्न, जो हम कंट्रास्ट में सलवार का कपड़ा यूज करके बनाने वाले हैं। फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आई फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बता रही हूँ कुर्ते में जब हम आउटर पट्टी लगाते हैं नेक पे, वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए हमने जो कंट्रास्ट में कपड़ा ले लिया है, ये ऑरेंज कलर का है हमारे पास बॉटम का, ये हमने 9x4 का हमने कपड़ा ले लिया डबल पे। ऐसे हमें ये दो पीस चाहिए, इन दो पीस को यहाँ रखना है और इसके इक्वली हमने बुकरम ले लिया। सबसे पहले हम लोग इस नेक की कटिंग बुकरम पे करेंगे। ये हम राउंड नेक पे लगाने वाले हैं। इसकी चौड़ाई हम लोग ले रहे हैं 3.5 और इसकी लंबाई ले रहे हैं हम लोग 6.5। 3.5x6.5 पे हमने एक ब्लॉक रेडी करके इस तरीके से ये राउंड नेक की कटिंग कर, एक निशान हमने इस गोलाई गोलाई पे काट कर रही है और एक इसके बाहर की ओर 1.5 इंच की हमें पट्टी चौड़ाई रखनी है। फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर है, अगर हमें थोड़ी और ज्यादा चौड़ी चाहिए तो हम लोग इसको 2 इंच पर भी रख सकते हैं। ये 1.5 इंच का हम लोग इसके चारों ओर से एक निशान लगा देंगे। तो एक कटिंग तो हमारी ये राउंड नेक की हो जाएगी और एक हमारी इसके इक्वल इक्वल हम लोग क्रम पे हमने इस पट्टी को काट लिया। अब ये कुर्ता, इसके ऊपर हमने ये दोनों पीस जिससे हमें डिजाइन डालनी है और इसके ऊपर हम लोग बुकरम को इस तरीके से रखकर इसके इक्वल इक्वल हम लोग एक निशान लगा देंगे। ये अंदर की ओर हमें बिल्कुल इसके इक्वल इक्वल निशान लगाना है और बाहर की ओर हमें थोड़ा सा यानी 0.2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए निशान लगा देंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग हम लोग तीनों कुर्ते पे और इन दोनों पट्टियों पर एक साथ करेंगे। ये दोनों पट्टियाँ हमारे पास रेडी हैं और ये बुकरम भी कटिंग का रेडी है। अब हम लोग सबसे पहले इस कपड़े पे इन दोनों पट्टियों को एक साथ बिछा के इस तरीके से अब इसके ऊपर बुकरम बिछा देंगे हम लोग। ये इस बुकरम को इस तरीके से इस पर अटैच करते हुए बाहर की ओर हम लोग एक टाका लगा के इसको पलटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब पाइपिंग लगाने के बाद ये गले का डिज़ाइन रेडी है हमारे पास। हमने बाहर यहाँ पे इस तरीके की लेस लगाई है। अगर हम लोग चाहें तो इसमें हम लोग सेकेंड कलर जो कंट्रास्ट का, इसमें ब्लू या कोई और कलर लेके उसकी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।